23 मार्च से दिल्ली के रामलीला मैदान पर अन्ना हजारे एक बार फिर अपने आंदोलन पर बैठे हैं। अन्ना हजारे स्वयं हमारे साथ है लोकमत पर एक्सक्लूसिव। अन्ना जी, पिछली बार जब आपने आंदोलन किया था यहाँ रामलीला मैदान में, तो कोई व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ मोदी सरकार में मंत्री बन गया, कोई गवर्नर बन गया, कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन लोकपाल अब तक नहीं बन पाया। वो क्या, सरकार का इच्छा शक्ति का अभाव है। उस टाइम पर आश्वासन दिया था ना, सत्ता में आने से पहले आश्वासन दिए थे इन लोगों ने, हम सत्ता में आते तो लोकपाल लोकायुक्त कानून बनाएंगे, लोकायुक्त तो नियुक्त करेंगे, ये सब आश्वासन दिया था। और सत्ता में आए, एक्शन तो नहीं लिया, अमल तो नहीं किया, लेकिन उस कानून को कमजोर कर दिया। धारा 44 बिल लाया और ये कानून को ही कमज़ोर कर दिया। और विशेष तौर पर 27 जुलाई को लोकसभा में रखा, एक दिन में पास बिना चर्चा के, 28 को राज्यसभा में रखा, एक दिन में पास, चर्चा नहीं, और 29 को राष्ट्रपति जी की साइन हो गया, और ये कानून को कमज़ोर करने वाला कानून 3 दिन में बनाया, और लोकपाल को भ्रष्टाचार को रोकने वाला कानून के लिए 5 साल हो गए। ये इच्छा शक्ति का अभाव। अन्ना, आप कह रहे इच्छा शक्ति का अभाव है, आपने मोदी सरकार को भी 40 से ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी, आप सरकार से उम्मीद कर रहे हैं इस सरकार से इतनी चिट्ठियाँ लिखने के बाद भी कि वो आपकी बात सुनेंगी? नहीं, हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं, उनका कर्तव्य उन्होंने करना है। सरकार के पास, उनके हाथ में सत्ता है, उन्होंने दिल में लाया तो कर सकते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य उनको बताते रहना। 43 पत्र लिखे, लेकिन मैं रुका नहीं 4 साल में, तो मैं हमारा कर्तव्य कि करते रहना, समाज भले, समाज और देश के भले के लिए, किसानों के भले के लिए करते रहना, ये सोचकर हम प्रयास करते रहे। अन्ना, आप कह रहे हैं कि आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन कल आपने एक बहुत तल्ख एक टिप्पणी की कि आपने पिछली बार जब आंदोलन किया था तो सरकार चली गई थी, आप इस बार भी चाह रहे हैं वैसा आंदोलन हो और सरकार चली जाए? वो चली गई थी, मैं उसकी लीला ना, नहीं मानती है तो फिर उसकी लीला है, वो फिर वो करवा लेता सब। हमारी इच्छा ये नहीं किसी सरकार को जाना या पक्ष और पार्टी व्यक्ति, ऐसा हम कभी सोचते नहीं, समाज और देश की भलाई ये सोचकर आंदोलन करते हैं। इस बार जो जन आंदोलन में आपको समर्थन मिल रहा है अन्ना जी, लोगों की जो संख्या है वो देश भर से आ तो रहे हैं, लेकिन कुछ कमी है, कुछ आपको उत्साह में कमी लग रही है? क्या है कि बाहर आने नहीं दे रहे गाड़ियाँ, पंजाब की बसेस रोक दिया, हरियाणा के बसेस रोक दिया, कई जगह के लोग आ रहे उसको रोक दिया, सिर्फ रोका नहीं, पानी के गुब्बारे मारने वाली मशीन रखा है, अगर ऐसी बात आ गई तो फवारे मारकर उसको भगाना, यहाँ तक है, तो ये आने नहीं देते। लेकिन एक बात अच्छी हुई, यहाँ नहीं आने देते ना तो कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, सब आंदोलन चल रहे हैं, अभी शुरू हो गया, आगे बढ़ रहा है, अनशन शुरू हो गया। एक आखिरी सवाल अन्ना जी आपसे, राधा मोहन सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री से भी आपकी बातचीत हुई, अब आप क्या चाहते हैं, आपके पास ठोस कार्य योजना लेकर सरकार आए, क्या करे जिससे आपकी मांगे पूरी होने के बाद आप यहाँ से आंदोलन अपना समाप्त करें, आप सरकार से क्या चाहते हैं? क्या आप सरकार से, आपकी राधा मोहन सिंह से भी बात हुई, केंद्रीय कृषि मंत्री से उनके साथ चर्चा हुई, आप सरकार की तरफ से क्या चाहते हैं, वो एक कार्य योजना लेकर आए या एक आश्वासन दे जिसके बाद? आश्वासन नहीं, मैंने जो 43 लेटर लिखे उसमें क्या क्या होना चाहिए ये लिखा है सब, उसको देखो और उसमें से क्या क्या कर सकते हैं बताइए। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन, उनके राज्य मंत्री वो आए थे। तो यहाँ पर अन्ना हजारे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 23 मार्च से उनका लगातार आंदोलन जारी है, और उनका ये कहना है कि सरकार और बाकी प्रशासन लोगों को दिल्ली नहीं आने दे रहा, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई है और वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन वकार अहमद के साथ योगेश सोमकुंवर, लोकमत न्यूज़.इन।